समझकर एक मर्तबा फिर भी बुलंद आवाज से दुरूद के बानियाने मजलिस बानियाने अर्जी अजा और तमाम मिल्लत तशय्यो के मरहूम इन मरहूमात के लिए एक मरतबा रहमत और तीन मरतबा सूरह इखलास की तिलावत। بارگاہ محمد والے محمد کے صدقے میں اس عرش عذاب کے صدقے میں اس فرش عذاب کے صدقے میں محمد والے محمد کے توسل سے تمام مومنین مومنات جنہوں نے قصر ابو طالب کے ساتھ تعاون کیا ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، محمد والے محمد کے صدقے میں انہیں اجر عظیم عطا فرما، اور ان کے مرحومین مرحومات کو جوار رحمت اور جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما، ان تمام کے روزی رزق میں اضافہ فرما، اور محمد والے محمد کے صدقے میں خصوصاً میرے بھائی جو زیارات کو تیار کرنے کے حوالے سے یہ زیارت تیار کی جنہوں نے، اور جو کچن کے اندر ہماری مائیں بہنیں کام کرتی ہیں اور باقی برادران جو کسی بھی طرح سے اس ادارے سے منسلک ہیں سب کو اجر عظیم عطا فرما، اور محمد والے محمد کے صدقے میں ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما، خصوصاً جن صاحبان نے التماس دعا کا ہے ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، محمد والے محمد کے صدقے میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، ہمارا خاتمہ بالولایت فرما، اور محمد والے محمد کے صدقے میں تمام کائنات کے اندر جہاں جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے ظالم کو نیست و نابود فرما اور مظلوموں کو رہائی نصیب فرما، محمد والے محمد کے صدقے میں ہمیں دنیا میں زیارت مولا حسین علیہ السلام نصیب فرما اور آخرت میں شفاعت مولا حسین علیہ السلام نصیب فرما، اپنی آخری حجت ہمارے زمانے کے امام اور زہرا کے آخری فرزند کے ظہور میں تعجیل فرما، اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ظاہراً یہ فضائل کے عنوان سے گفتگو کی آخری کڑی ہے اور آپ حضرات کی
आला जरफी के मुझ जैसे नाचीज को जो हमेशा आपके साथ रहता है बड़ी तवज्जो से समाज फरमाते रहे। बस आज की गुफ्तगू में दो तीन मतालिब गोया गुफ्तगू का नतीजा आप हजरात की समातों की नजर करना है। खालिक नमजल इन पांच आयात के अंदर जो सूरह बकरा की पहली पांच आयात है, इरशाद फरमाता है कि कुरान वो किताब है जिसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। मेरा जुमला अजहान आलिया में महफूज होगा, जिस तरह कुरान में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं, उसी तरह से वारिस कुरान में भी किसी किस्म की शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। क्योंकि अल्लाह ने इस किताब को ला रैब बनाया और अल्लाह ने इस कुरान के वारिसों को बेऐब बनाया। अल्लाह ने इस किताब को कल्बे मुस्तफा पे उतारा और फरमाया, अल्लाह ने इस किताब को कल्बे मुस्तफा पे नाजिल किया और उन हादियान में से पहले हादी को बैतुल्लाह में भेजा। माशाल्लाह। ये कुरान जिस तरह से सरापाए हिदायत है, ये कुरान जिस तरह से हमारी हादियों रहनमा है, उसी तरह से वारसे कुरान भी अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए भेजे। माशाल्लाह। और जुमला आप के अजहान में होगा, यादा कर रहा हूँ, अल्लाह ने हर दौर में इस कुरान की हिफाजत का इंतजाम किया और इस कुरान के आखिरी मुहाफिज को महदी दौरा कहते हैं। अजीजा ने गिरामी कदर, ये कुरान सरापा हिदायत तमाम लोगों के लिए है, लेकिन इससे हिदायत वो पाएगा जो अहले तकवा है, जो मुत्तकी है। और कोई बंदा तब तक मुत्तकी बन नहीं सकता जब तक इमामुल मुत्तकीन की विलायत का इकरार न करे। और मुत्तकी की अलामतों में से एक अलामत ये है कि वो गायब पर ईमान रखता है, यानी जो चीजें हमें नजर नहीं आती उन्हें गायब कहा जाता है। अल्लाह नजर नहीं आता, जो उस पर ईमान रखे उसे मुत्तकी कहा जाता है। अल्लाह के फरिश्ते नजर नहीं आते, जो उन फरिश्तों पे ईमान रखे उसे मुत्तकी कहा जाता है। अल्लाह ने चार किताबें भेजी, जो उन चार किताबों पर ईमान रखे उसे मुत्तकी कहा जाता है। जुमला हदिया करना चाह रहा हूँ, जो इन चार किताबों पे ईमान रखे उसे मुत्तकी कहा जाता है। मेरे इमाम बाकिर की हदीस का एक इन चार किताबों पे जो ईमान रखे उसे मुत्तकी कहा जाता है। कल जो हदीस शुरू की थी उसे इंशाल्लाह आज मैं कुछ और बयान करूंगा। उसी हदीस का एक जुमला ये है कि अगर कोई अली की विलायत का मुनकर हो, गोया उसका ना तो तुरायत पे ईमान है, ना अंजील पे ईमान है, ना जबूर पे ईमान है, ना कुरान पे ईमान है। अगर इन किताबों पे ईमान को जाहिर करना है तो कुल्ले ईमान पे ईमान लाना पड़ेगा। निगरानी मतबत, तब तक कोई बंदा मोमिन बन नहीं सकता जब तक अमीरुल मोमिनीन का चाहने वाला ना हो। तब तक कोई बंदा मुत्तकी बन नहीं सकता जब तक वो इमामुल मुत्तकीन का चाहने वाला ना हो। अगर किसी को तकवे की खैरात मिलेगी तो तभी मिलेगी जब इमामुल मुत्तकीन का चाहने वाला हो। अगर किसी को ईमान की खैरात मिलेगी तभी मिलेगी जब अमीरुल मोमिनीन का चाहने वाला हो। अजीजो कायनात के अंदर जो कुछ अमल इंसान अंजाम दे उसे उस दिए हुए अंजाम दी हुए अमल की जजा भी तभी मिलेगी जब वो कुल्ले ईमान पे ईमान बनता हो। इमाम फरमाते हैं, कल की गुफ्तगू अजहान में है,
कि अल्लाह ने जब आसमान और जमीनों को खल्क किया उन पे फिर कलमा तहरीर किया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसके बाद अल्लाह ने उनके दर्जात को बढ़ा दिया। अगली गुफ्तगू के अंदर इमाम फरमाते हैं कि जब ये जमीन और आसमान खालिक खलक फरमा चुका तो फिर नूर मुस्तफ़ा से मुखातिब होके कहा, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, अगर तुझे और अली को और तुम्हारी इतरत को जो हादी और महदी है खल्क ना करता तो न जन्नत को बनाता न जहन्नम को बनाता, न जमीनों को बनाता न आसमानों को बनाता, दोनों मकान की कोई शय ना बनाता अगर तुम हस्तियों को खल्क ना करता। और फिर उसके बाद कहा कि कोई दूसरी मखलूक मैं पैदा ना करता अगर अनवार मोहम्मद वाले मोहम्मद को मैं खल्क ना करता। नाराए रिसाले माशाल्लाह। इमाम की हदीस के अंदर अगला जो मतलब आ रहा है बहुत बड़ा मतलब है माशाल्लाह। फिर इमाम फरमाते हैं कि कहा कि ऐ मेरा हबीब तमाम मखलूकात में तू मेरा खलील है माशाल्लाह, मेरा हबीब है। जुमले सुनिए अल्लाह के नाम पे। खलील, किसी को अल्लाह खलील कह दे तो वो छोटा दर्जा नहीं है। खलील अल्लाह ने अपने एक नबी को कहा, लेकिन उस नबी को खलील कहने से पहले आलम अरवाह में अल्लाह नूरे मुस्तफा से मुखातिब होके कह रहा है कि हबीब तू मेरा खलील भी है, सफी भी है, बरगजीदा भी है, महबूब तरीन भी है, और तू ही अव्वल मखलूक है, तेरे बाद तेरा वसी अली सदीक भी है, अमीरुल मोमिनीन भी है, अमीरुल मोमिनीन भी है। मुख्य जुमला हदिया करने जा रहा हूँ अजीजो, सदीक और अमीरुल मोमिनीन वो होता है जिसे अल्लाह आलम अरवा में सदीक कहे, जिसे अल्लाह आलम अरवा में अमीन कहते, जिसे अल्लाह सदीक कहे उस सदीक को अली कहते हैं, जिसे अल्लाह सदीक बनाए उसका ऐलान आलम अरवा में होता है, जिसे दुनिया वाले सदीक बनाए उसका ऐलान सकीफा में होता है। इस्लामपुर खलूस बलंतर जिसे अल्लाह सदीक बनाए उसका ऐलान तब हुआ था जब अल्लाह और वो बनने वाले थे और नहीं फरमा रहे थे। जब अल्लाह ने नूरे मुस्तफा को बना दिया और कहा कि आप मेरी मखलूक के अव्वल हैं, फिर अल्लाह ने मुस्तफा के वसी के नूर को खल्क फरमाने के साथ ही अलकाब दे दिए कि ये सदीक है, ये अमीरुल मोमिनीन है। अब तक जो बंदा नहीं समझा मेरे नबी की उस हदीस को ज़हनों में लाइए, मेरे नबी ने फरमाया या अली अंता सदीकुल अकबर व फारूकुल आज़म, ऐ अली सदीक के अकबर भी तू है फारूक आज़म भी तू है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अकबर भी तू है, फरूक आजम भी तू है, और हद तो ये है अजीजा ने गिरामी मरतबत, मेरे नबी ने फरमाया या अली अंता अमीरुल मोमिनीन, जिसे अल्लाह अमीरुल मोमिनीन बनाए उसे अली कहते हैं। अजीजो अल्लाह के बनाए हुए अमीरुल मोमिनीन का लकब सिर्फ उसी अमीरुल मोमिनीन यानी मौलाए कायनात के साथ मुख्तस है। अल्लाह ने वारसाने कुरान बनाए 12, सिर्फ अली अमीरुल मोमिनीन है, 11 अमीरुल मोमिनीन नहीं। और जो अली की सिफात जैसी सिफात रखते हो उन्हें हम अमीरुल मोमिनीन नहीं कह सकते, तो दुनिया जिसे अमीरुल मोमिनीन कहे उसे हम कहां अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। माशाल्लाह। अली अली का मौला,
نے کرام یہ قدر اور پھر فرمایا یہ تیرا وسیع صدیق بھی ہے امیر المومنین بھی ہے اور تیرا معید بھی ہے تیرا ناصر بھی ہے اور میری مضبوط رسی بھی ہے. واہ 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 سمجھیے گا عزیز ماشاءاللہ ماشاءاللہ قرآن کی وہ آیت آپ کے اذہان میں آئی ہوگی یقینا اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو تفرقے میں نہ پڑو. عزیزان گرامی محبت جو بندہ نہیں سمجھ پایا اس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں اللہ فرما رہا ہے کہ علی تیرا وسیع اور میری مضبوط رسی ہے یعنی اس رسی کو پکڑ لو تفرقے میں نہ پڑو. جب ابھی بھی سمجھ نہ آئی تو میں کہہ رہا ہوں اللہ نے علی کو مضبوط رسی اس لیے کہا کیونکہ وہ حدیث قدسی میں فرما چکا ہے لَأُبَجْتَمَا النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِي ابْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَا خَلَقْتُ النَّاسَ اگر سارے اللہ کی رسی کو پکڑ لیتے اللہ جہنم ہی نہ بنا دیتا. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر خلوص بلند تر سلام اللہ صلی مولا کا فرمان بھی ہے امام صادق علیہ السلام حبل اللہ المتین اللہ کی رسی ہم محمد و آل محمد. عزیزہ نے گرامی قدر اور پھر اگلے جملے میں ارشاد فرمایا اور میرے اولیاء کا نور ہے امام کائنات علی علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ میری مضبوط رسی بھی ہے میرے اولیاء کا نور بھی ہے اور اس کے بعد یعنی امام کے بعد آئمہ طاہرین جو ہادی و مہدی ہیں تم لوگوں کی خاطر میں نے ساری مخلوقات کو بنایا. اللہ فرما رہا ہے کہ تم لوگوں کی خاطر میں نے ساری مخلوقات کو بنایا تم ہی میرے اور میری مخلوقات کے درمیان برگزیدہ شخصیتیں ہوں یعنی اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان اگر کوئی برگزیدہ یعنی سب سے اللہ کو جو پسند شخصیت ہے اگر کوئی ہے تو وہ محمد و آل محمد ہیں. اور پھر اگلا جملہ عزیزان گرامی قدر یہ آیا کہ اگر کسی کو میں جزا دوں گا تو تمہاری وجہ سے اگر کسی کو میں جزا دوں گا تو تمہاری وجہ سے دوں گا اگر کسی پہ میں غضبناک ہوا تو تمہاری وجہ سے دوں گا. عزیزو اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اللہ اگر کسی کو جزا دے گا تو محمد و آل محمد کی وجہ سے کسی کو سزا دے گا تو محمد و آل محمد کی وجہ سے. ابھی تک نہیں سمجھ پائے تو جملہ کہنے جا رہا ہوں اگر اللہ کسی کو جزا دے گا تو فقط اس وجہ سے کہ وہ محب محمد و آل محمد ہے اگر کسی کو سزا دے گا تو اس وجہ سے کہ وہ مغز محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت عزیزان گرامی قدر اللہ کسی کے اعمال کو زد نہیں کرتا یہ خالق الامر کی صفت عادل ہونے کے منافی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ فاروق اعظم بھی امیر کائنات ہیں اور صدیق اکبر بھی امیر کائنات ہیں. کسی مقطعے کو میں نے چار مصروں میں لکھا ہے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. صدیق اکبر ہیں علی اور فاروق اعظم بھی ماشاءاللہ. اس میں میری کوئی زیادہ محنت نہیں ہے جب میں مطالعہ کر رہا ہوتا ہوں تو جملے آ جاتے ہیں میں لکھ دیتا ہوں یہ ادائے خالق المجزل ہے. صدیق اکبر ہیں علی اور فاروق اعظم بھی امیر المومنین ہے علی اور صاحب امر بھی صاحب امر ہے. قرآن کی آیت بار بار آپ سنتے رہتے ہیں کہ محمد و آل محمد رحم السلام صاحبان امر ہے اول الامر ہے یہ وہی مقطع میں نے لکھا کہ صدیق اکبر ہیں علی اور فاروق اعظم بھی امیر المومنین ہے علی اور صاحب امر بھی علی ولی کے حقیقی ملنگ ہے جو یاروں ماشاءاللہ. اور فرمایا
फरमाइएगा इस किस्से के ऊपर। सदीक अकबर है अली और फरूक आजम भी, अमीर मोमिनीन है अली और साहेब अमर भी, अली वली के हकीकी मलंग है जो यारो वो अबू जर है, मालिक मिकदाद और कंबर भी। इंसान के तमाम तर अमाल की जजा अल्लाह देगा, इसमें किसी को भी शक है? किसी को भी शक? जो कुछ हम करेंगे उसकी जजा अल्लाह हमें देगा। हम नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह जजा देगा, रोजा रखेंगे तो अल्लाह जजा देगा, हज करेंगे तो अल्लाह जजा देगा, खुम्स देंगे तो अल्लाह जजा देगा, जिहाद करेंगे तो जजा अल्लाह देगा। जो जो नेक अमल हम करेंगे उस हर नेक अमल की जजा अल्लाह देगा, लेकिन शर्त यह है कि विलायत हैदर हो। विलायत हैदर के बगैर कोई किसी को जजा नहीं मिलने वाली। मेरे अजीजों, किसी को अच्छा लगे या बुरा, मैं उससे आई डोंट केयर अबाउट दैट। किसी को अच्छा लगे या बुरा, हकीकत यही है कि अगर विलायत हैदर नहीं तो अल्लाह किसी को नस जजा देगा, अगर मुबगज हैदर है तो अल्लाह उसे जरूर बाजरूर सजा देगा। इन्हीं इसी मतलब को मैंने चार लफ्ज़ चार मिसलों में लिखा, नमाज रोजा जकात और हज। नमाज रोजा जकात और हज हुब्बे हैदर है, इनकी कबूलियत का सबब। नमाज रोजा और हज हुब्बे हैदर है, इनकी कबूलियत का सबब, बगैर इसके सब रहेगा जाएगा। फरमाइएगा, सारे बंदे गौर करेंगे तो चौथा मिसरा कहूंगा, फिर कह रहा हूँ, नमाज रोजा जकात और हज हुब्बे हैदर है, इनकी कबूलियत का सबब, बगैर इसके सब रहेगा जाएगा, जन्नत या जहन्नम फैसला तुझे करना है, कहा जाएगा। कहते हजारों तर गए, हजारों तर गए, जो मुनकर थे अली के वो जहन्नम में पड़ गए, जो मुनकर थे अली के वो जहन्नम में पड़ गए। अली अली कहना बंदे का काम है, अली अली कहना बंदे का काम है, गिरते को थामना अली का काम है। पहाड़ों में जंगल और पहाड़ों में क्रांत के 30 पहाड़ों में अच्छा, मेरे पुराने जुमले हैं लेकिन इनके लफ्ज़ से मेरा दिल कर रहा है कि वो मैं जुमले सुनाऊं। माशाल्लाह, ये बंदा क्योंकि गौर करने वाला हो ना, इन्होंने कहा जंगलों पहाड़ों में कुरान के 30 सुपारों में अली अली। बंदा अगर भी गौर करने वाला हो ना तो कुरान का हर लफ्ज़ अली अली कर रहा हो, और करने वाला हो हर लफ्ज़ अली अली कर रहा है। कुरान में अगर अली है तो अली आला है, कुरान में अगर बा है तो अली नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह है, कुरान में अगर ता है तो अली तजल्ली नूरे कुरान में, अगर सा है तो अली सलामत है, कुरान में अगर जीम है तो अली जलाले रब्बे अकबर है, कुरान में अगर हा है तो अली हैदर और सफदर है। क्या सुनने के आदि है? कह रहा हूँ कि कुरान में अगर अलिफ है तो अली आला है, कुरान में अगर बा है तो अली नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह है, कुरान में अगर ता है तो अली तजल्ली नूरे खुदा है, तो अली जलाले रब्बे अकबर है, कुरान में अगर हा है तो अली हैदर और सफदर है, कुरान में अगर खा है तो अली खावर दो जहां है। सारी अलफ़बा नहीं पढ़ूंगा, बस आखिरी जुमला कह रहा हूँ, कुरान के हर हर लफ्ज से अली अली की सदाएं बुलंद हो रही है, कुरान में अगर नून है तो अली नासरे रसूल है, कुरान में अगर या है तो अली अब्दुल्ला है। अली मौला, अली मौला,
मिसलों के अंदर कहा कि अगर अमल की दौलत नहीं तो सब रह कहाँ जाएगा। और अजीजा ने ग्रामी कदर, अगर अमल अली वाले नहीं करेंगे तो बताओ कौन करेगा। अमल अली वाले नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। ऐसा हरगिज नहीं है, कोई बंदा इस मुगालते में ना रहे, मेरी सारी गुफ्तगू का निचोड़ दे रहा हूँ, कोई बंदा इस मुगालते में ना रहे कि मैं फकत अली अली करके गुनाह करता रहूं और बच जाऊंगा, ऐसा हरगिज नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कोई बंदा इस मुगालते में ना रहे। अमाल को मेराज पे ले जाना है तो हुब्बे हैदर की जरूरत है। अमाल को मेराज पे ले जाना है तो हुब्बे हैदर की जरूरत है, वरना हुब्बे हैदर के बगैर जितने मर्जी अमाल कर लो अल्लाह को तुम्हारे अमाल की जरूरत नहीं है। अजीजा ने गिरामी मर्तबत, और ऐसा हरगिज नहीं है कि अगर कोई बंदा नऊज़ बिल्ला फेल कभी को अंजाम देता रहे ये सोच के कि मेरे पास विलायत हैदर है तो मैं बच जाऊंगा, ऐसा नहीं है। मेरे मौला पता क्या फरमाते हैं फेल कभी अंजाम देने वाले के लिए, मौला फरमाते हैं कि मा जाना गयूरो कत्तो, गैरतमंद कभी जना नहीं करता। जिस बंदे की गैरत ही मर जाए उसमें किस कुरान की तबलीग असर नारे। अजीजा ने गिरामी कदर, फिर रवायत के अगले जुमले आपकी समाअत में नजर करूं, वक्त बड़ी तेजी से जा रहा है। फिर इसके बाद सिलसिला कलाम जारी रहा जो इमाम की हदीस में बयान कर रहा हूं, जो पांचवें ताजदार विलाय से। फिर फरमाया कि जब खुदा बंदे आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उनकी औलाद और उनकी औलाद से रबूबियत का इकरार ले लिया, हजरत आदम और उनकी औलाद से रबूबियत का इकरार ले लिया, बड़ा दकीक जुमला कहने जा रहा हूँ अज़ीज़ा निगरानी कदर, क्या कि हजरत आदम से और उनकी औलाद से जब अल्लाह ने अपनी रबूबियत का यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार ले लिया तो फिर पहले जिन्होंने इकरार किया तो वो इकरार करने वाले हम मोहम्मद वाले मोहम्मद थे। और इसके बाद अल्लाह ने पैगंबर की नबूवत को इकरार लिया और फिर इसके बाद अल्लाह ने विलायत हैदर का इकरार लिया। जुमला मेरा जाया ना होने दीजिएगा। मौला इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने जनाबे आदम अलैहिस्सलाम से और उनकी औलाद से रबूबियत का इकरार लिया, फिर उसके बाद पैगंबर की रिसालत का इकरार लिया और फिर अली की विलायत का इकरार लिया। पस इकरार करने वालों ने इकरार किया, इनकार करने वालों ने इनकार किया। जुमला समझिएगा खुदा के लिए। मौला फरमाते हैं कि इकरार करने वालों ने इकरार किया, इनकार करने वालों ने इनकार किया, जिन्होंने इकरार किया वो रहमतुल्लाह बन गए, जिन्होंने इनकार किया वो इबलीस बन गया। कुरान की एक आयत भी है और फरमाने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फितरत अल्लाह हिल्लती फतर नास अलैहा, अल्लाह जो लोगों को दुनिया में भेजता है वो इलाही फितरत में दुनिया में आते हैं। इलाही फितरत क्या है? इमाम से पूछा गया कि ये फितरत इलाहिया से क्या मुराद है। ये हदीस है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, बहुत बड़ा मतलब इस हदीस के अंदर पूछा गया कि यमना रसूलल्लाह ये जो खालिक का फरमान है फितरत अल्लाह हिल्लती फतर नास अलैहा कि लोग फितरत इलाहिया पे पैदा होते हैं, तो इमाम ने इसकी तफसीर करते हुए इरशाद फरमाया फितरत इलाहिया से मुराद अल्लाह की तौहीद है, नबी की रिसालत है और अली की विलायत है। यानी दुनिया में पैदा होने वाला हर इंसान विलायत हैदर लेकर दुनिया में आता है। अब उसकी
की मर्जी इस विलायत में बाकी रहे या न रहे, बाकी रहेगा तो अल्लाह का बरगजीदा बन जाएगा, नहीं रहेगा तो फासले जहन्नम हो जाएगा। नारे पर अजीदा ने गिरामी मर्तबत ये विलायत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम इतना बड़ा अतिया है कि खालिक ने किसी भी, कल मैंने जुमला कहा था साहबान के जहन में होगा कि अल्लाह ने किसी नबी को नबूवत नहीं दी, वह जुमला मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा था, उसके बारे में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान था जिससे मैंने इस्तफादा करते हुए वो फरमान सुना के चार किस्से कह के तो मसाइब के कुछ जुमले कहूंगा। अजीजा ने ग्रामी कदर इमाम फरमाते हैं कि विलायत ना विलायतुल्लाह, हम मोहम्मद वाले मोहम्मद की विलायत अल्लाह की विलायत विलायत ना विलायतुल्लाह अल्लती लम युबअथु नबियन कत्तो इल्ला बिहा, अल्लाह ने किसी नबी को भी हमारी विलायत के बगैर खल्क नहीं किया। हल्का जुमला अगर जहनों में हो कि जिन जिन अंबिया ने विलायत हैदर का, रबूबियत का, रिसालत मुस्तफा का इकरार किया, फिर अल्लाह ने उन्हें नबूवत के ताज से नवाजा। बचार मिसरे आखिरी आप हजरात की खिदमत में सुनाना चाहता हूँ, ये बच्चों को वास्ता डालेंगे बैठ जाएंगे सारे मजलिस मेरी खराब कर रहे हैं। दरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद के। अली वली के डंके बजाओ सारे जहां में, अली वली के डंके बजाओ सारे जहां में, और फरमाइएगा अली वली के डंके बजाओ सारे जहां में, सदाए हैदर हैदर गूंज रही है सारे जहां में, अल्लाह ने करवा दिया था ये ऐलान कोनो मकाम है। बंदे समझ नहीं पाए, ये पूरी गुफ्तगू का खुलासा दे रहा हूँ आपको इन चार मिसरों में। अली वली के डंके बजाओ सारे जहां में, सदाए हैदर गूंज रही है सारे जहां में, अल्लाह ने करवा दिया था ये ऐलान कोनो मकाम है, हम तो अली अली करते रहेंगे जब तक जान है इस जा में। कमियां रलाई फिरदे अम्मी बने कमियां रलाई फिरदे पागल पड़े कमियां रलाई फिरदे जैदा कमी बड़े तारा मंगी मदद अली तो कुल नबियां, मंगी मदद अली तो कुल नबियां, ए जानदा है जा सारा ते जे नाल अली दा प्यार रखता है बस मार अली दा नारा। अली का नाम सुनकर मैं आया हूँ दूर से, कश्ती हमारी पुर करो मोहम्मद। अल्लाह ने जिस कदर अजीम हादियान हमें दिए हैं इसी कदर हमें उतने अजीम अमल की जरूरत है। मकसद करबला को भी अजहान में रखिए कि जिस कदर अजीम हस्तियां अल्लाह ने हमें नवाजी हैं,
کہ ہمارا درہ امتیاز ہے کہ اللہ نے جیسے ہادی ہمیں دیئے کائنات میں کسی کو نہ ملے, اللہ نے جیسے رہنما ہمیں دیئے کائنات میں کسی کو نہ ملے. اور انتہا یہ ہے کہ یہ سارے قول و فعل میں بھی ایک جیسے ہیں, سیرت و کردار میں بھی ایک جیسے ہیں. جب اللہ نے اتنے عظیم ہادی ہمیں عطا کیے ہیں تو ہمیں اللہ کا کم از کم اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے ہمیں ایسے ہادی عطا کیے جو سارے علی ہیں, جو سارے محمد ہیں, جو سارے حسین ہیں, جو سارے کردار کی بلندیوں پر ہیں. عزیزو جب ہادی کردار کی بلندیوں پر ہو تو ماننے والوں کو بھی کردار کی بلندیوں پر جانا پڑے گا. جب ہادیان نے کبھی کسی فعل کو جس کو اللہ چاہتا ہے ترک نہیں کیا, ماننے والوں کو بھی کسی واجب کو ترک نہیں کرنا چاہیے. جب ہادیان نے اپنے واجب کو ہر میدان میں ادا کیا, چاہے جنگ کا میدان تھا, چاہے حضر کا میدان تھا, چاہے موت سامنے تھی, لیکن سجدوں کو قضا نہیں کیا. علی کے ماننے والے وہ کیسے ماننے والے ہیں, بستر پہ پڑے جن کے سجدے قضا ہو جائے. ولایت حیدر مقتضی ہے انسانوں سے, جملہ اذہان میں ہے نا کہ یہ ولایت جس کے پاس ہے اعمال بھی اسی کے قبول ہیں. اگر ولایت ہو بندہ عمل نہ کرے, سلامت رہے. آج تک میرے منہ کی بات آپ نے کہہ دی, درود بھیجیے محمد والے. بچے رہے جتنے بھی اعمال ہم انجام دیتے ہیں ان کی ارتقاء کے لیے اللہ نے ہمیں ولایت حیدر عطا کر رکھی ہے. نماز ایک پڑھے لیکن اللہ علی کے صدقے میں اسے کئی درجے بڑھا دے. روزہ ایک رکھے علی کے صدقے میں اس کے کئی درجے بڑھ جائیں گے. عزیزو جب اللہ ہر کام کے درجے کو بڑھا کے دے رہا ہے اس علی کی وجہ سے, تو پھر ہمیں زیادہ عمل کرنا چاہیے اور ہمیں ایسے عزادار بننا چاہیے جن عزاداروں کی بارے میں امام کو ضرورت ہے. عزیزان گرامی قدر, کتنے علماء ہیں ابھی کائنات کے اندر, کتنے سادات و مومنین ہیں, لیکن آج تک وہ 313 اکٹھے نہ ہو سکے جو امام کو چاہیے. ہمارا کردار سوچئے کیسا ہے, ہماری گفتار سوچئے کیسی ہے, ہمارا عمل سوچئے کیسا ہے کہ ہم میں ہزاروں کروڑوں لاکھوں کی صورت میں شیعان علی موجود ہے کہ نہیں. موجود ہیں, لیکن کیوں نہیں ہم اس کردار کو پہنچ سکے جو 313 میں سے کسی ایک کا کردار ہو. اور عزیزان گرامی مرتبہ جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں, جس طرح انسان کو ہر چیز کا لطف جوانی میں آتا ہے, اسی طرح سے توبہ کا بھی لطف جوانی میں آتا ہے. میں ایک جملہ کہہ کے آیا ہوں والے واقعے اندر, اسی کو ادا کر رہا ہوں. میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جوان توبہ کرے اسے اللہ نے کتنی فضیلت دی ہے. غور فرمائیے گا عزیزان گرامی قدر, بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. یہ کربلا کا میسج, کربلا کا مقصد آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں. میرے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جوان بندہ توبہ کرے تو اس کو وہی فضیلت حاصل ہے باقی لوگوں پر جتنی مجھ محمد کو باقی نبیوں پہ فضیلت حاصل. عظمت توبہ جوان دیکھیے کہ جب ایک جوان بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے کتنی عظمت عطا کرتا ہے. اور پھر مشہور پرشین لینگویج کا جملہ آپ سنتے رہتے ہیں, دا جوانی توبہ کردن سیوا پیغمبری اس, جوانی میں توبہ کرنا نبیوں کا سیوا ہے. اللہ نے جوانی دی ہے, اس سے فائدہ اٹھائیے, اسے ایسے نہ گوا دیجیے. ابھی تو بوڑھا ہو کے بندہ مصلی عبادت میں کھڑے ہو تو کیا ہوا, میں معذرت کے ساتھ بوڑھوں کو عبادت میں کوئی طنز نہیں کر رہا, بوڑھا ہو کے ہوا تو کیا ہوا, جب کچھ نہ کرنے کے قابل رہا مصلی میں آ گیا. عزیزان گرامی قدر,
जवानी की तौबा चाहता है अल्लाह। और यकीन मानिए अल्लाह का महबूब तरीन है वो जवान जो तौबा करता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्लाह को बड़ी पसंद है जवान की तौबा। और अजीजा ने गिरामी कदर अल्लाह ने फुर्सत दे रखी है जिन साहबान पे इंशाल्लाह जवानी है। अली का मोहब्बत वैसे भी हमें जो जवान रहता है माशाल्लाह आप सारे जवान है दुरूद भेजिए मोहम्मद। इनकी विलायत के बगैर तकमील दीन नहीं होती। माशाल्लाह। इनकी विलायत के बगैर तकमील इबादत नहीं होती। इनकी विलायत के बगैर कोई चीज भी पाया तकमील तक नहीं पहुंचती। इनकी विलायत हो इनके मुहिब हो इंसान तो हर चीज के दर्जे बढ़ जाते हैं। यूं कहूं कि हर चीज को चांद लग जाते हैं। इनकी विलायत के सदके में अल्लाह ने सारी कायनात बना दी। और इस सारी कायनात को ऐसे नहीं बनाया, अल्लाह ने इस सारी कायनात जिनके सदके में बनाई उनसे अकबर जैसा जवान लिया, उनसे असगर जैसा मासूम लिया, उनसे सानिये जहरा जैसी बीवी के चार साल से रिदा छीनी गई। बस अजादारुआ पहुंच गए। मुझे आज उस जवान का तज़करा करना है जो हम शक्ल पैगंबर है। अजादारो जब अल्लाह ने मौला हुसैन को अली अकबर जैसा बेटा अता किया था ना, तो मौला हुसैन की खुशी का आलम यह था कि मौला ने जितने भी लोग थे उस इलाके के अंदर हर बंदे को नवाजा, हर बंदे को तोहफे दिए, हर बंदे को सदकाए अली अकबर दिया, हर बंदे को अली अकबर के नाम पे खैरात दी। और अजीजा ने गिरामी कदर मौला इमाम हुसैन ने हर बंदे को जब अता कर दिया तो एक मरतबा हुसैन की बारगाह में वो बहन आई जो सफरों के अंदर मौला हुसैन के साथ थी, जो मौला हुसैन के मकसद को हुसैन के बाद शाम कूफा के बाजारों में बयान करने वाली थी। आलिया जैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा हुसैन मौला की बारगाह में आती हैं और आगे कहती हैं, भैया हुसैन अकबर के सदके में तुमने सबको अता किया है लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया। तो एक मरतबा मौला हुसैन ने बीबी की तरफ मुखातिब होके कहा, मेरी बहन जैनब मांग क्या मांगती है। अजादारो बीबी जैनब आलिया हाथ जोड़ के भाई से कहती है, भैया मुझे अकबर दे दो, जब जवान होगा तो तुम्हें लुटा दूंगी, सिर्फ अकबर नहीं लुटाऊंगी साथ में अकबर का सदका और मोहम्मद भी दूंगी। अजरकुम इल्लल्लाह अजरकुम इल्लल्लाह। बस अजादारो आ गया 10 मुहर्रम का वो वक्त जब मौला हुसैन से अकबर इज्ने जिहाद मांगने आए थे। अजादारो अकबर का मक्तल से अलविदा कहना बड़ा अजीब सा मरहला था। जब मौला हुसैन के पास जनाबे अली अकबर गए ना इजाजत लेने के लिए, तो एक मरतबा मौला हुसैन ने कहा, अकबर अगर तू चला गया तो हम अपने नाना की ज़ियारत कैसे करेंगे। अजादारो अकबर उस जवान को कहा जाता है जो शक्ल सूरत में नबी के मुशाबे था। मौला हुसैन के जुमले हैं, ऐ अकबर जब हम अपने नाना की ज़ियारत के मुश्ताक होते हैं अकबर तुझे देख लेते हैं, अकबर तू चला गया तो हम अपने जद की ज़ियारत कैसे करेंगे। बस अजादारो एक वक्त ऐसा आया कि मौला हुसैन ने अकबर को इजाजत दे दी। जब जनाब अकबर को इज़्ने जिहाद मिल गया ना अजादारो, बड़ा अजीब मक्तल है उस वक्त का कि एक मरतबा जब मौला हुसैन ने जनाब अली अकबर को इजाजत दे दी और फिर कहा, अकबर बेटा देखो मैदान जिहाद में तब जाना जब अपनी माओ बहनों से विदा कर लेना। बस अजादारो रवायत कहती है कि अली अकबर बीबियों से विदा करने के लिए गए कि किसी बीबी ने दामने अबा को पकड़ा, किसी बीबी ने कहीं से पकड़ा और कहा कि अकबर ना जा, आज सुबह से जो भी गया वापस ना आया, अकबर मैदान में ना जा, तू हम सादात की आस है बस अभी ना जा। अजादारो जनाबे अली अकबर अभी मैदान में नहीं गए कि मौला हुसैन देख रहे थे,
अपने जवान बेटे का मक्तल में जाना मौला से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हजरत आलो अकबर ने बीवियों से विदा कह लिया कि एक मरहला ये आया, अकबर अपने बीमार भाई से विदा करने के लिए गया। हजरत आलो जब बीमार भाई के पास गया तो उस वक्त जाके जनाबे ज़ैनुल आबिदीन पे लश्कर आलम था, खैमे से बाहर आ गए। कुछ वक्त गुजरा के दोबारा गए, जब देखा के भाई जाग रहे हैं, भाई से कहा भैया मुझे मौत की इजाजत मिल गई, मैं मैदान में जा रहा हूँ। अजादारो मक्तल के लफ्ज यही है कि जब सज्जाद को पता चला अकबर जिहाद के लिए जा रहा है, दोनों भाइयों ने एक दूसरे के गले में बाहें डाली और सारो कतार रोना शुरू किया। अजादारो रवायत कहती है दोनों भाई इस कदर रो रहे थे कि जिस तरह करबला की जमीन में कोहराम बच गया हो, ज़ैनब आलिया और उम्मे कुलसूम ने दोनों भाइयों के बाजू अलग किए। अजरकुम इल्लल्लाह माशाल्लाह। अली अकबर ने करबला के मैदान का सफर शुरू किया। आजादारो अली अकबर मैदान की तरफ जब जा रहा था ना, देखना मेरी तरफ खुदा के लिए, जब अली अकबर मैदान की तरफ जा रहा था ना, था मौला हुसैन की वो कैफियत थी जो कैफियत किसी शहीद किसी भी जवान के जाने पे ना थी। अली अकबर एक अली अकबर का घोड़ा आजादारो दुलजना आगे जैसे जैसे बढ़ रहा था, हुसैन पीछे उसी तरह से जमीन पे गिर रहे थे। अली अकबर का घोड़ा एक कदम बढ़ता, मौला हुसैन एक कदम चलते और जमीन पे गिर जाते। कि एक मर्तबा अकबर ने पीछे मुड़ के देखा कि ये आवाज कैसी है। आजादारो अकबर का बाबा हुसैन था जो जमीन पे गिर रहा था और उठ रहा था। आजादारो किसी बूढ़े बाप के लिए आसान ही है जवान बेटे को मौत की तरफ भेजे। ये हुसैन का हौसला था कि अकबर जैसा जवान करबला में भेज दिया। अजरकुम इल्लल्लाह। आजादारो जनाब अकबर मैदान के अंदर पहुंच गए, बड़ी बहादुरी से जंग लड़ते रहे। जंग लड़ते लड़ते मौला अली अकबर पे एक मर्तबा जब प्यास का गलबा हुआ कि खयाम की तरफ वापस पलटे और आके कहा बाबा दो घूंट पानी मिल सकता है, तीन दिन का प्यासा हूँ। आजादारो जनाब अली अकबर ने जैसे ही पानी मांगा ना, एक मर्तबा मौला हुसैन ने कहा अकबर बेटा मेरे करीब आओ, अपनी ज़बा मेरी रखो। आजादारो अली अकबर ने अपनी ज़बान हुसैन के मुंह में रखी और फौरन बाहर निकाल के कहा अंता शद्दू अनशान, अरे बाबा आप तो मुझसे भी ज्यादा प्यासे। अजरकुम इल्लल्लाह। आजादारो बस जनाबे अली अकबर मैदान में चले गए। मैदान में जाके अली अकबर ने बड़ी जमा मर्दी से जंग की, लड़ते रहे लड़ते लड़ते एक वक्त मरहला ऐसा आया कि जब तीरों पे तीर लग चुके थे, जख्मों पे जख्म लग चुके थे कि एक शकी ने छुपके वार किया और एक बरसी अकबर के सीने में पैवस्त हो गई। अजादारो इस बरसी का लगना था यूसुफ़ करबला जमीन पे आ गए। जना से जब जमीन पे आए ना जनाब अकबर तो एक मर्तबा मौला हुसैन को आवाज दी या अबतात निकली, बाबा अकबर की मदद को आइए। खुदा के लिए देखना मेरी तरफ, कहा बाबा अकबर की मदद के लिए आइए। अजादारो रवायत यही कहती है मौला हुसैन ने इरादा किया अकबर की नुसरत को पहुंचे, मौला उठते हैं उठा नहीं जा रहा। हुसैन ने जानू बजानू अकबर के लाशे में पहुंचे। अजरकुम इल्लल्लाह। बस अजादारो अली अकबर इस दुनिया से चले गए। एक मर्तबा जब लाशा है अली अकबर खयाम में आया ना आजादारो, जब लाशा खयाम में पहुंचा एक मर्तबा मौला हुसैन ने आवाज दी मेरी बहन ज़ैनब को बुलाओ, जिसे उसने सारी जिंदगी पाला है वो मैदान में शहीद हो गया। आजादारो उम्मे लैला माँ थी जनाबे अली अकबर की, माँ को नहीं बुलाया गया,
सानिये जहरा को बुलाया गया कि आजा तेरा अकबर चला गया। अजादार रवायत कहती है कि जनाबे ज़ैनब आलिया मौला हुसैन की जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा करबला के मैदान में आई, वो तब आई थी जब अकबर के सीने में बरसी लगी थी। मातम सैयद अकबर ने कातला पुछदा वेला कह डिठावे मैंने अकबर को मस्जिद अक्सा तो लहना सैयद दा इंज दा लहना जिवे उम्मत लाए मैं राज तो वापस बीबी अकबर कुछ बोल हो प्योर लगे बिच सहरा दे हो नहीं टुर सकदा ए जन जन पांदा इंदे हाथ बिच खत सुवरा दे। सैयद ने पुत्र दे सीने तो फल कढ़िया किवें हो रख जानू पुत्र दे सीने ते हो शाह अकबर छी को पाया हो नाल कल जा पुत्र दा या प्यो दा बहराया हायो भाईओ जाके जिगर जवान पुत्र दा हो शान बिया को दिखलाया आखे देख नाना मेरे अकबर ने तेरे दीन तू क्या रंग लाया। सैयद ने पुत्र नु चाया आप चुमते मत्था आप चुमते ने पैर जमीन चुमती भी है 9 लाख हसदा है। सैयद रो रो के आता है मैं तू लोगो हाथ
ਦੀ ਤੇਰੇ ਫਲ ਵਰਜੀ ਦਾ ਗਾਲ ਦਾ ਬਹੁ